हमें अफसोस है केला आपको लग गया। चारू देखकर क्या नहीं फेंकती, लग गया ना? हट, मैंने कहाँ फेंका था, आपको लगा तो नहीं? मुझे नहीं लगा। नहीं लगता तो केले का कचुम्बर नहीं बन जाता। हे, उल्टी आ गई। जरा सुनिए क्या बात है। क्षमा कीजिए, बच्चियां इस केले से खेल रही थी, उनमें से किसी का है। बच्चियां? जी हाँ, आपके कॉलेज की छात्र हैं। इनमें से तो कोई बच्चियां नहीं। खैर देखिए, ये केला उनमें से किसी ने फेंका है, आप इसे वापस कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं, आप ही रखिए। धन्यवाद। सुनिए, आप बता सकते हैं प्रिंसिपल का कमरा कौन सा है? वहां कोई प्यून होगा, उससे पूछ लीजिए। धन्यवाद। पच्चीस साल से हमारा कॉलेज बराबर तरक्की कर रहा है। हमारे कॉलेज की लड़कियों की शादी अच्छे अच्छे घरों में हुई है। कुछ लड़कियां तो उस सरकारी पदों पर भी हैं। इस साल तो आईएएस में एक लड़की हमारे कॉलेज की भी है। अब क्या बताऊं आपको, आपके पिताजी तो यहाँ के संचालकों में से थे। आप हैं हमारे नए लेक्चरर। पता नहीं कौन था, आया होगा मिलने किसी से। केला सीधा उसको लगा, चारू पे बहुत वो है, खेलेगी हमारे साथ, ध्यान करेगी किसी और का। मैं थी तो वहाँ, खास थी। वो आदमी केला लेकर हमारे पास आया और पूछने लगा। बैठो बैठो बैठो, ये तो वही केले वाला है। आप हैं हमारे नए लेक्चरर स्वर्ण कमल बाबू। आज से तुम लोगों की संस्कृत की क्लासेस यही लेंगे। आप बनारस यूनिवर्सिटी के स्नातक हैं, मुझे आशा है तुम लोग इनसे फायदा उठाओगी। और ये हैं हमारी फर्स्ट ईयर की छात्राएं। ये पीरियड भी आप ही का है। ठीक है, फिर तो मैं आज ही से शुरू करता हूँ। जी जरूर, मैं चलती हूँ। मेरे ख्याल में अपने बारे में कुछ न कहकर मैं सीधा कोर्स की किताबों पर आता हूँ। तुम्हारे कोर्स में कुमार संभव के कुछ अध्याय और अभिज्ञान शकुंतलम हैं। दोनों ही कृतियां महाकवि कालिदास की लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैं कालिदास के बारे में कुछ कहूंगा, क्यों, क्या ख्याल है आपका? जी हाँ सर। प्रेम से तो आप सबों का थोड़ा बहुत परिचय होगा ही। हमने नहीं पढ़ा। ये उतनी पढ़ने की चीज नहीं जितनी अनुभव करने की है। हर किसी के जीवन में यह समय आता है और आप सबका भी यही समय है। जब मन में प्रेम के लिए एक तीव्र प्रतीक्षा पैदा होती है, कब आएगा कब आएगा, और जब आता है तो तूफान की तरह पुराना सब कुछ धुलकर साफ हो जाता है। तब एक नई अनुभूति, एक नया अनुभव, एक नया जीवन आरंभ होता है। कालिदास ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, मैं पढ़कर सुनाता हूं। कालिदास ने प्रेम में डूबी हुई नारी के मन की स्थिति के बारे में क्या कहा है, क्या लिखा है उसके बारे में, सुनिए। क्या पीरियड खत्म हो गया? जी सर। नए सर तो इंटरेस्टिंग निकले, पहले ही प्रेम का सबक सिखाने लगे। क्यों, तेरे लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तेरे जीजाजी है ना? काश हमारे जीजाजी अगर संस्कृत सर की तरह होते तो दीदी की जिंदगी बन जाती। मुझे जरा क्लास में जाना है। पिताजी चाहते थे आईएएस में जाऊं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरी जिद देखकर उन्होंने कहा स्कूल मास्टर ही करनी है तो हमारे यहाँ चले जाओ। वैसे हमारा यहाँ घर भी है, मेरे पिताजी भी यहाँ की मैनेजिंग कमेटी में थे। बहुत जिद्दी है क्या? जी नहीं, ऐसी बात तो नहीं। हाँ, जो ठान लेता हूँ वो करके छोड़ता हूँ। घर में कौन कौन है आपके? यहाँ तो कोई नहीं है, सोचा है एक नौकर रख लूंगा। फिर तो शादी भी नहीं हुई होगी? जी नहीं, शादी नहीं हुई। मैं आपको एक नौकर दूंगी। अच्छा, ये जो केमिस्ट्री की टीचर है, क्या नाम है उनका? रेनू। मैं कल ही नौकर भेज दूंगी आपको, तनख्वाह मुझसे पूछ लेना, मैं फिक्स कर दूंगी। ये रेनू क्या हुआ? फुल रेनू। मेरा मतलब टाइटल क्या है? अच्छा, फुल रेनू प्रसाद, काशीपुर से आई है। वैसे यहाँ के नौकरों से होशियार रहना, कभी सर पे मत चढ़ाना। नहीं चढ़ाऊंगा। ये फुल रेनू कितने साल से यहाँ? पसंद आ गई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था।
देखिए नौकर कल सुबह ही भेज दीजिए। सुबह भेजेंगे तो अच्छा है, शायद मैं शाम को घर पर न रहूं। रेनू बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर है, किसी को पास फटकने ही नहीं देती। नौकर ऐसा भेजिएगा जो घर का सारा काम कर सके, खाना बना सके। हाँ बीड़ी बीड़ी ना पीता हो तो अच्छा है। भेज दूंगी, लेकिन रेनू है बड़ी हिम्मत वाली लड़की, थोड़ी घमंडी जरूर है लेकिन इतनी दूर अकेले रहती है, ऊपर से गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी है, सारा रुपया घर भेज देती है। उसकी माँ भी चाहती थी वो घर पर ही रहे, लेकिन लगता है रेनू आप ही की तरह जिद्दी है। मैं इतना जिद्दी नहीं। आपको प्रिंसिपल दीदी ने बुलाया है। ठीक है मैं आता हूँ। अच्छा जी, पहले शरीर के सौंदर्य, केमिस्ट्री में हम पहले हर चीज की जड़ तक पहुँचते हैं। आज तो हम चांद पर भी पहुँच गए हैं, लेकिन चांद पर पहुँचने से पहले हमें पूरी तरह मालूम था कि चांद के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से गैसेस के मिश्रण से। मृदुला इधर उधर क्या देख रही हो? कुछ नहीं दीदी। देखती हूँ आजकल तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। कल के लेसन याद किए? किए हैं दीदी। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर ऑक्साइड। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछी है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं। तो फिर से बताइए ना सर। सुनो सुनो सुंदरी, तुम्हारा ये कोमल शरीर, ये चंचल यौवन तपस्या के लिए नहीं है। सुनो सुंदरी, तुम्हारे जीवन में क्या सुन रही है तुम सब? इसी बताओ सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या है? लेकिन आपने तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज पूछी थी ना। हाँ हाँ ठीक है, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या है? सुंदर उपमा है, आगे सुनिए। पार्वती के सुंदर होंठों को देखकर शिव जी उसी प्रकार बेचैन होते हैं। अंत में पार्वती की तपस्या के फल से उनका विवाह शंकर जी से हो जाता है। चल हम भी संस्कृत की क्लास ज्वाइन करते हैं। चल ये नाच गाना क्यों हो रहा है? रेनू जी हम पहले ठीक से खड़ी हो जाओ। हम ऐसे ही खुशियां मना रहे थे। खुशियां मनाने हैं तो कॉलेज में जाओ, वहाँ प्लेग्राउंड है, रास्ते पे जाओ, कहीं भी जाओ। मेरे यहाँ ये सब नहीं चलेगा, ये हॉस्टल है, कोई रंगमंच नहीं। मुझे ये सब हुलड़बाजी बिल्कुल पसंद नहीं। ये क्या साड़ी बांध रखी है बेहया? ठीक से पहनो। सुनो ए चारू जी, ये क्या इशारा कर रही हो? मैं क्या देख नहीं सकती हूँ? आई डोंट लाइक ऑल दिस इशाराबाजी। उधर कौन छुपी हुई है, निकलो बाहर। मैं चाहती हूँ हमारी लड़कियां डिसेंट और शरीफ हों। अगर उधमबाजी मचानी है तो मेरे हॉस्टल में नहीं, समझी? चलो अपने अपने कमरों में। और प्रीति 15 मिनट में मैं तुम्हारा कमरा साफ सुथरा देखना चाहती हूँ। गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से टपक पड़ी इस वक्त? पता नहीं, कॉलेज के बाहर तो गई थी कुछ खरीदने, रह गई होगी यही, रास्ते में जीजा जी जो मिल गए थे। चलो चलो अब जाओ, कार्बन आने वाले, कमरा साफ करना है। अच्छा कल कॉलेज में मिलेंगे। हाँ है।
आंखें बंद करती हूँ तो तुम सामने नजर आते हो, आंखें खोलती हूँ तब भी तुम मेरे सामने रहते हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी मैं एक पल के लिए भी नहीं भूल सकती। रात में सब सो जाते हैं लेकिन मुझे नींद नहीं आती, छटपटाती रहती हूँ, तकिए में अपना मुंह छुपा लेती हूँ। मुझे लगता है तकिया ही तुम्हारा विशाल कोमल सीना है जहाँ मैं हमेशा के लिए समा गई हूँ। तकिया, तुम्हारा विशाल कोमल सीना। शर्म नहीं आती? कुंवारी लड़की होकर तकिए को कुछ और समझकर उसे लिपटी हुई हो? यही सीख मिली है तुम्हें? उधर केमिस्ट्री में 10 में से 4 मिले हैं, ये भी नहीं मालूम कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या हैं। रात पर छटपटाती रहती हूँ। अरे रेनू, अभी तक तैयार नहीं हुई, चलेगी नहीं क्या? 6 बजे जाना है ना, अभी क्या बचा मालूम है? 5:30। हाँ चलती हूँ। सुमी, वो जो नया संस्कृत का लेक्चरर आया है वो तुम्हें कैसा आदमी लगता है? सब ठीक है, साल भर जब देखेगा कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई तो खुद ही चला जाएगा। तो चले भी गए हमारे यहाँ रहते रहते। सब लड़कियों का दिमाग खराब किए दे रहा है। तुमने कभी ये भी सोचा है हमारी लड़कियों की उम्र ही क्या है? लेकिन अभी तू तैयार तो हो ले, वो क्या बिगाड़ेगा हमारी लड़कियों को? देखना, एक दिन लड़कियां ही संस्कृत के लेक्चरर की कान काट लेंगी। तो समझ नहीं पा रही है सुमी, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी से कहता रहता है। पढ़ाओ संस्कृत, कौन मना करता है, लेकिन वो तो नहीं विशाल कोमल सीना। कौन सा सीना? ये देख, गुलाबी चिट्ठी। सुमी, ये चिट्ठी मुझे दे दे। वो मधुपुर गए हैं ना, ऐसी चिट्ठी मैं भी उन्हें लिखूंगी। कौन वो? हमारे तो एक ही हैं, पिंकी के बाबूजी। रख दे चिट्ठी। हाँ। ले। टेबल पर रख दे, हाथ नहीं लगाऊंगी ऐसी गंदी चीज को। प्रिंसिपल को दिखाना है इसे। प्रिंसिपल को बताकर क्या होगा रेनू? वो तो बेचारी विधवा है। लज्जा और शर्म से पार्वती मुंह छुपाए एक तरफ खड़ी हुई है, और उसके बाद केतवे निशायते कुतहलात पार्वती प्रतिमुखम निपातितम। इसका मतलब ये हुआ। क्या, क्या बात है चारू? दरवाजे पर कहिए। इस तरह आपकी क्लास में शोर मचता रहेगा तो मैं क्लास कैसे लूंगी? जी, संस्कृत पढ़ाते वक्त उच्चारण पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, और फिर कालिदास पढ़ाते वक्त आपको ख्याल रखना चाहिए। पास ही में एक दूसरी क्लास भी है जहाँ कोई जरूरी विषय पढ़ाया जा रहा है। आपका कालिदास नहीं। मेरा कालिदास? कालिदास तो सबका है, आपका भी। कौन सा जरूरी विषय पढ़ा रही हैं आप? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड केमिस्ट्री। ओह, रसायन पढ़ा रही हैं आप। ठीक है, आप इत्मीनान से क्लास को पढ़ाइए, मैं इन्हें शांत रखता हूँ। थैंक यू। हाँ, तो क्या पढ़ा रहा था मैं? शंकर और पार्वती का हनीमून। आहिस्ता आहिस्ता, देखा नहीं अभी भी शिकायत करने आई थी। क्या नाम है इनका? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसा नाम है? सर, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्यों? इतनी गंभीर रहती है कि हमें डर लगता है, और फिर हमें भी कार्बन की एक प्रॉपर्टी समझती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जो भी उनका नाम है उसी से संबोधित करना चाहिए। और आपको सर हम जीजा जी कहते हैं। वैसे जीजा जी का संबंध जीवन में बड़ा मधुर है। हमारे कादंबरी में एक पात्र है, क्या नाम है उसका? कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होने लगा, वो तो हमारी केमिस्ट्री की लेक्चरर से मिलती भी नहीं। वैसे हमारी केमिस्ट्री की लेक्चरर अभिज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला से जरूर मिलती है। सर, शकुंतला। वाह, यदि आप प्रसन्न चित रहे तो हमारे कालिदास की कल्पना शकुंतला। आप पढ़ा क्या रहे हैं? जी मैं शर्मिंदा हूँ, हमारी छात्राएं रस और रसायन का अंतर नहीं समझती। आप क्या पढ़ा रहे हैं? जी संस्कृत। कालिदास के काव्य जैसे कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतला। कालिदास ने क्या कार्बन डाइऑक्साइड पर काव्य लिखा है?
जी मैं शर्मिंदा हूँ, हमारी छात्राएं कुछ चंचल हैं, मैं इन्हें समझा दूंगा। आप समझाएंगे? ये आपके समझाने का ही फल है जो लड़कियां सब बिगड़ती जा रही हैं। ये चाय किसके लिए है? मास्टर बाबू आए हैं। ये चाय का वक्त है? किसने कहा तुम्हें चाय बनाने के लिए? मृदुला ने कहा जब भी मास्टर बाबू आए चाय दिया करो। मृदुला यहाँ के वार्डन है या मैं? मुझसे बिना पूछे चाय कैसे लाई हो? तुझे मालूम नहीं दिन में यहाँ सिर्फ दो बार चाय बनती है। क्या हुआ दीदी, चाय वापिस ले जाऊं? दे दो। आइए ना दीदी, कमल बाबू सर आए हैं, आइए ना। नमस्कार, लीजिए आप भी चाय पीजिए। मैं हर वक्त चाय नहीं पीती। अजी लीजिए, आज पी लीजिए। नहीं, लेकिन आप यहाँ लड़कियों के हॉस्टल में? सर संस्कृत पढ़ाने आया करेंगे, हफ्ते में दो बार सोमवार और शुक्रवार। आज पहला दिन है, मुझसे परमिशन लिए बगैर ही? प्रिंसिपल ने ही कहा था सर हमें एक्स्ट्रा कोचिंग करेंगे। प्रिंसिपल ने कहा है ठीक है, लेकिन हॉस्टल की वार्डन मैं हूँ। इसीलिए तो मैं आपके पास आ रहा। मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही प्रिंसिपल से बात कर लूंगी। कमल बाबू बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब लड़कियां उनकी तारीफ करती हैं। केमिस्ट्री पढ़े पढ़े कि तुम्हारा मन बड़ा नीरस हो गया रेनू, हर बात को इतना सीरियसली नहीं लेती। मुझे तुमसे रसीलापन नहीं सीखना गीता, आप ही कुछ इंतजाम कीजिए इसका। तुम्हारी शिकायत मेरी समझ में नहीं आ रही रेनू, आप जानती हैं वो क्या पढ़ाते हैं? हाँ संस्कृत। संस्कृत, अगर यही संस्कृत है तो कॉलेजों से संस्कृत की पढ़ाई ही बंद हो जानी चाहिए। लो ये चली नया करिकुलम बनाने। ठीक है, मैं कमल बाबू से मिल लेती हूँ। अच्छा आओ कमल बाबू, कहाँ थे? क्यों क्या हुआ? जल्दी जाओ, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। किस लिए? जाइए तो सही, पता लग जाएगा। एक चिट्ठी पकड़ी गई है। आइए जी। आइए आइए कमल बाबू, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं, बैठिए। आइए आप यहाँ बैठिए। हमारे कॉलेज का ये सिल्वर जुबली ईयर है, इस सिलसिले में हम सब मिलकर एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। इन सब की राय है कि एक दिन टीचर्स लोगों को लेके कुछ किया जाए और एक दिन स्टूडेंट्स को। गीता ने पिछली बार दोनों को मिलाकर एक अच्छा प्रोग्राम किया था। गीता तुम स्टूडेंट्स के प्रोग्राम की इंचार्ज बन जाओ। मैं तो बन जाऊंगी, लेकिन आपको टीचर्स का इंचार्ज बनना पड़ेगा, इसलिए आपको बुलाया है। निस्संदेह जब आप सब चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मुझे तो खुद इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़ी दिलचस्पी है। तो ठीक है, एक महीना बाकी है, आप लोग अपने अपने काम में अलग से जुट जाइए। रेनू दी, आज इतनी देर से जा रही हो, जरा आओ ना इधर। ये है शेखर, यहाँ के बहुत अच्छे वकील हैं, और ये फूल रेनू, हमारी केमिस्ट्री के लेक्चरर। नमस्ते, मेरा कुछ काम है, मैं जाती हूँ। इसने देख लिया, कुछ कहेगी तो नहीं? रेनू को सिर्फ मालूम है दुनिया में 108 एलिमेंट्स, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। वैसे बड़ी स्ट्रिक्ट लगती है। होगी, कौन पूछता है, मगर देखने में बड़ी अच्छी है। उधर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वह किसी की दाल नहीं गलती।
कौन? मैं गंगा हूँ दीदी। एक चिट्ठी है, जरा चश्मा दे। अब और तुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है बेटी, सब कुछ तो है हमारे पास। लल्ला को एक और तरक्की मिली है, कहता है उसकी तनख्वाह 1200 हो गई है। तेरी ही मेहनत का फल है रेनू, तूने ही अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है। लल्ला हमारे यहाँ की उषा से ही शादी करना चाहता है, लेकिन वो कहता है जब तक दीदी शादी नहीं करेगी मैं भी नहीं करूंगा। तू कह तो तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढू, गर्मियों की छुट्टियों में कुछ ज्यादा छुट्टी बढ़ा लेना, जितने दिन तो हमारे पास रहती है हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो अब जल्दी से चाय पी और जा। क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ आजकल स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, हॉस्टल जाना है। यार कॉलेज में सब तेरा मजाक उड़ाते थे कि संस्कृत पढ़ रहा है पंडित बनेगा, लेकिन देखता हूँ तू ही भाग्यवान है। कैसे? लड़कियों के कॉलेज में लेक्चरर, चारों तरफ कन्या ही कन्या है, यहाँ साला वकील बनकर दिन भर उज्जट गवारों से पाला पड़ रहा है, सबके सब मर्द और खूसा। अब तेरा नंबर तो लगना चाहिए, शादी कर लेना जल्दी से। शादी की बात और है यार, लेकिन जब तक बैचलर हूं एक अच्छा माहौल रहे तो अच्छा नहीं लगता क्या? बाय द वे तू कब शादी कर रहा है? कर लूंगा यार, इतनी भी क्या जल्दी है। हाँ भैया लड़कियों कॉलेज में टीचरी जल्दी क्या है। अच्छा पापा बता, तेरे कॉलेज में कोई केमिस्ट्री की टीचर है फूल रेनू? तू उसे कैसे जानता है? हमें सब कुछ मालूम है। क्या मालूम है? यही कि बड़ी स्ट्रिक्ट लड़की है वो, किसी को घास नहीं डालती। तुम्हें कौन खास चल रहा है? तेरे ही कॉलेज की एक टीचर है गीता। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेता? यहां पे क्या जल्दी है? तू ही तो कह रहा है वकालत में कोई बहार नहीं। अच्छा यार बाप बता, तेरा मामला अभी तो कुछ जमाया नहीं? कॉलेज के जमाने में तो बड़ी लड़कियां मरती थी तुझ पे। अभी भी एक मामला चल रहा है, लेकिन बात सिर्फ 50% हुई है। वेरी गुड, 50% तो मामला जम गया ना। लेकिन ये 50% फिलहाल अपनी तरफ से है। धत तेरी के, यानी फिलहाल तू ही घास डाल रहा है। मास्टर बाबू चिट्ठी। उनसे कहिए मैं पढ़ाने के बाद आऊंगा। जी अच्छा। कमरे में स्पेशल क्लासेस लेने से हमारी लड़कियों को असुविधा होती है। कैसी असुविधा? मृदुला खुद एक साइंस स्टूडेंट होकर संस्कृत की पढ़ाई में अपना वक्त बर्बाद करती है। फिर तो पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। दूसरे कमरों से चारू ममता आ सकती हैं, तो मृदुला के कमरे से लड़कियां वहां भी जा सकती हैं। वो सब इतना आसान नहीं, और दूसरों के कमरे में पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो सकती। ये बात तो ठीक है। अरे ये क्या चाय आप यहीं ले आई? आप वहां नहीं थे, चाय ठंडी हो जाती इसलिए यहाँ ले आई। तो एक चाय अपनी रेणु दीदी के लिए भी ले आओ। मुझे चाय की कोई जरूरत नहीं, तू जा। मेरी चाय पीने की कुछ आदत ज्यादा ही है, क्या करूं पढ़ाते पढ़ाते गला सूख जाता है, संस्कृत जो ठहरी। आपको हॉस्टल के कायदे कानून के मुताबिक चलना चाहिए। चाय पीना क्या हॉस्टल के नियमों में नहीं है? हमारे यहाँ सिर्फ एक बार सुबह और एक बार शाम को चाय बनती है। ठीक है फिर मैं चाय पी कर आ जाया करूंगा। अब तो बन गई है, फेंकना क्या मुनासिब होगा। आप ही पीजिए, गर्म चाय गर्मी को मारती है। आज के बाद मृदुला के कमरे में क्लासेस नहीं होंगे। तो ठीक है फिर, वो कॉमन रूम के पास एक कमरा बंद पड़ा है, वहां इंतजाम करवा दीजिए, मैं वहीं पढ़ा दिया करूंगा। उस कमरे में भी पढ़ाना मुश्किल है, उसी रूम है, कोई जब बीमार पड़ जाए तो हम उसे वहां रखते हैं। देखिए साल में कोई कितना बीमार पड़ता है, फिर यहाँ की तो आबो हवा बड़ी अच्छी है, जब कमरा खाली ही पड़ा है वहीं इंतजाम करवा दीजिए। जी नहीं, सिक रूम पढ़ाने की जगह नहीं है। लेकिन जब कमरा खाली है तो? वो खाली नहीं रहेगा, कोई बीमार पड़ने वाला है। देखिए जब तक किसी को कोई बड़ी बीमारी, हैजा, पॉक या टाइफाइड ना हो,
वहां जाने क्या जरूरत है? बड़ी बीमारी की कोई जरूरत नहीं, कैसी भी बीमारी हो लड़कियों को वहां भेजना जरूरी है। मामूली जुकाम हो तब भी? जी हाँ तब भी। फिर तो पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल से बात करता हूँ, देखो क्या कहती हैं। प्रिंसिपल से क्या कहेंगे? यही कि आपने स्पेशल क्लास लेने से मना कर दिया। मैं क्यों मना करने लगी? तो फिर मैं वही है। मैं देखती हूँ पढ़ाने का इंतजाम कहाँ हो सकता है। आप बाद में मिलिए। कब कब मिलूं? यही कुछ 3-4 दिन के बाद, शुक्रवार को आइए। शुक्रवार को आऊं? हाँ आइए। ठीक है, पर 7 बजेंगे आते आते। ठीक है, धन्यवाद। आप काशीपुर में रहती हैं ना? जी। आपको किसने बताया? किसी ने नहीं बताया। आपके टेबल पर जो एनवेल्प पड़ा है ना, उस पर काशीपुर का पोस्टल स्टैंप है। मेरी बहन की शादी भी वहीं हुई है, इसी कॉलेज में पढ़ती थी, सुषमा नाम है। आपको देखकर लगता है शकुंतला आप ही हैं। कौन शकुंतला? कालिदास की शकुंतला। तरसिज मनु विद्धम शैवले नापि रम्यम मलिननपि हिमांशु लक्ष्म लक्ष्मम तनोति। नमस्कार। पता नहीं क्या कह गया संस्कृत में। मैंने जो संस्कृत का श्लोक अभी पढ़ा उसका अर्थ यह है कि बसंत के इस नटखट मौसम में कौन सी ऐसी नारी है जो प्रेम के मधुर बाण को सह सके। कोई नहीं सखी, कोई नहीं। अरे हो, क्या बात हो भैया, तो जवाब नहीं। ओ रंग रेज बातू रंग बातू।
पर चोरी न कर आ जाए घर पर लगता है डर देखो आज बच के तो जाएगा कि घर अरे जाने भी दो अरे अब भी रुको ताना मारे सबकी नजर अरे मैं क्या करूं अरे मैं तो चलूं कार्बन के कालिदास पढ़ेगी फिर देखना सूरज पश्चिम से निकलेगा अरे ऐसे ही तबीयत की होगी ऐसे ही हमारी तबीयत क्यों नहीं करती केमिस्ट्री पढ़ने की हवा के एक झोंके से पार्वती का वस्त्र उड़ता है उनकी जांग दिखाई देती है जहाँ पर नाम के चिन्ह हैं शंकर देखते हैं पार्वती अपने कपड़े ठीक करती है परंतु शंकर उसे ऐसा करने से रोकते हैं रात को अधिक जागने के कारण पार्वती की आंखें लाल हैं, होंठ सूख गए हैं और सिर के बाल अभी तक खुले हुए हैं शंकर ने हाथ बढ़ाकर देर होगी मुझे इस वक्त तो सब लड़कियां टाउन हॉल गई हैं मुझे मालूम है मैं वहीं था आप यहां कैसे आपने तो कहा था शुक्रवार को आना मेरे साथ अकेले घूमते हुए डर लगता है आपको डर किस बात का मुझे मालूम था क्या मालूम है यही क्या बड़ी हिम्मत वाली लड़की है अकेले घर से दूर यहां पढ़ाती हैं डरेंगी क्यों चलिए ना आइए क्या बात है
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वही सुन रहा हूँ। कहाँ है खुशबू? है किसी फूल की खुशबू। यहाँ तो नजदीक कोई फूल वूल नहीं है। आप नहीं समझ पाएंगी, आप केमिस्ट्री पढ़ाती हैं ना, रसायन। आज बसंत है, हवा में सुगंध तो होगी ही, और फिर क्या? फिर द्रुमा सपुष्पा सलीलम सपद्मम। आप मेरे सामने संस्कृत मत बोला कीजिए। क्यों? मुझे नहीं पसंद है। देखिए, ये तो कवि कालिदास का वर्णन है। फिर कालिदास? आपने कालिदास का नाम नहीं सुना? सुनना भी नहीं चाहते, बेहुदा वल्गर। देखिए, इसमें कोई बेहूदगी नहीं है, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। मुझे मतलब बताने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा बस चले तो कॉलेज से संस्कृत की पढ़ाई निकाल कर फेंक दूं। जी, ये पढ़ाई तो रस बोध की है, जीवन में रस। ज्यादा रस से स्वाद बिगड़ जाता है, ये भी मालूम है आपको? सब लड़कियों को तो देख रही हूँ मैं, आपकी संस्कृत की पढ़ाई की वजह से सब बेहूदी बंदरियां बनती जा रही है। आप संस्कृत पढ़कर तो देखिए, कहीं तो मैं पढ़ा देता हूँ, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम। संस्कृत की मधुर मिठास के आगे है कुछ? है, वो हॉस्टल का दरवाजा है, वहां से आप देखिए। आज पूर्णिमा है, आज के दिन नाराज नहीं होते, कितना पवित्र दिन है, होली का दिन। मन चाहते हुए आज मैं आपके सुंदर मुख पे गुलाल चंदन नहीं लगा सका, अगली बार जरूर लगाऊंगा। सचमुच आज आप कालिदास की शकुंतला लग रही हैं। नेत्रेषु लोलो मदिरालशेषु चुक्षते चंचल भावे। नमस्कार। महीने में 2 डजन कांटे खरीदती हूँ, लेकिन जब देखो खो जाते हैं। तुम कॉलेज में पढ़ाने आती हो या बनाव श्रृंगार करने? थोड़ा बहुत सजधज के तो रहना ही पड़ता है, क्या मालूम कब कौन कहाँ मिल जाए। टीचर्स ऐसी हैं, तभी तो लड़कियों के ये हाल है, कोई ढंग से कपड़ा तक नहीं पहनता, लगता है सब कुछ दिखाने के लिए ही है। क्या करें, यह गर्मी भी तो ज्यादा है। देख रेनू, ये सब तो होता ही रहता है, इसमें नुकसान ही क्या है? मैंने तो अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है, हमारे कॉलेज में लड़कों को भी लिया जाए। मैंने भी, लड़की लड़कियां एक साथ में रहेंगी, यही तो होना चाहिए, इसमें रिलेशन इजी रहते हैं। सवाल कोई एजुकेशन का नहीं है सुमित्रा, सवाल है हमारे कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है उसका। जो सिखाया जा रहा है उससे लड़कियां गिरेंगी। रेनू, तुम हमेशा बिल्ली बिल्ली चिल्लाती रहती हो, मगर ये बिल्ली है कहाँ? बिल्ली नहीं, बिल्ला है, आंखें हो तो नजर आए। मेरे पास ही के ब्लॉक में क्लास चलता है, जब देखो हंसी मजाक हो रहा है। मैं हमेशा सुनती हूँ नव युवती, यौवन, मदन, प्रियतमा, रति। कल ही की बात है, ये देखो मैंने लिख रखा है, श्रावण में सरोवर का पानी जैसे दिन दिन बढ़ता रहता है, उसी तरह से हे सखी नारी वक्ष। तुम ही पढ़ो। तुम ही पढ़ गीता, मुझे रामेश्वर बाबू को पान देना है। हमारी पुरानी किताबों में सब कुछ लिखा है रेनू, और फिर कमल बाबू कुछ बना बना कर तो नहीं पढ़ाते, कादंबरी में सब है, मैंने खुद पढ़ा है। कोई जरूरी है यही सब पुरानी बातें सिखाई जाए? बात बात पर सखी प्रिय। देखो रेनू, हमारे कॉलेज की लड़कियां कोई दूध पीती बच्चियां तो है नहीं, इन्हें मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा, अगर इन्हें संस्कृत ना अच्छी लगती हो तो ना पढ़े, कोई कंपलसरी तो है नहीं। लेकिन ये सब पढ़ाई का क्या असर होता है मालूम है? मैंने एक चिट्ठी पकड़ी है, प्रेम पत्र। हाय राम, किसने लिखी है? नाम जानकर क्या करोगी, हमारे कॉलेज की लड़की है। ये लड़कियां तो कॉलेज में पढ़ती है, 19-20 की होंगी, मेरे तो 15 ही साल में प्रेम पत्र लिखा। तभी तो हमेशा कमल बाबू की खैर खोही करती रहती है। ना करूं, मुझसे क्यों पूछते हो? पूछो जिससे अक्सर मिलती रहती हो। तुम्हें बांध लिया है पीली, जो जल रही हो। चले मेरी जूती, तुम ही संभालो कमल बाबू और शेखर दोनों को, एक प्रेम पत्र और सही। वक्त हो गया है, लेकिन तेरे जीवन में अभी तक प्यार नहीं है, तभी इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही हो। नमस्कार। नमस्ते। मैंने कह दिया ना, पढ़ाने की जगह 2-4 दिन में कहीं भी इंतजाम कर दूंगी, तब तक आप मृदुला के कमरे में पढ़ाते रहिए। आज मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया, आपसे मिलने आया हूँ। आप तो जानती हैं, सिल्वर जुबली फंक्शन के लिए टीचर्स के प्रोग्राम का भार मुझ पे सौंपा गया है। जी। टीचर्स की तरफ से हम लोग कालिदास का नाटक। कालिदास?
कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, उसे तो मिटाया नहीं जा सकता। आप बैठिए। तो टीचर्स की तरफ से हम लोग कालिदास का नाटक कर रहे हैं और मेरा आपसे अनुरोध है कि उसमें शकुंतला का अभिनय आप करें। जी नहीं, मुझसे नहीं होगा। दुष्यंत मैं बन रहा हूँ। आप दुष्यंत बने या रावण, मुझे आपके नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं, और वो भी कालिदास का नाटक। मेरी कल्पना में तो शकुंतला के लिए आप ही ठीक हैं। आप अपनी कल्पना अपने तक ही रखिए, नहीं तो जाइए उस गीता के पास, वो आपकी कल्पना में फिट बैठेगी। गीता स्टूडेंट्स के प्रोग्राम के इंचार्ज है, उससे तो शायद समय न मिले। फिर मनोरमा सुमित्रा किसी के पास जाइए, आप कुछ भी कीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे चाय किसने बोला लाने को? मैंने मास्टर बाबू को यहाँ आते देखा, सोचा पढ़ाने आए हैं। मैं आज पढ़ाने थोड़ी आया हूँ, चाय रहने दो। नमस्कार। दीदी मेहमान को चाय नहीं पिलाई? वक्त हो गया है, लेकिन तेरी चिपनी अभी तक प्यारी है, तभी इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही है। गंगा तू जा उन्हें बुला ला। आपने बुलाया है मुझे? जी चाय पी लीजिए। लीजिए। आप चाय पिला रही हैं आज? पी लीजिए। तो फिर आज आपको भी चाय पीनी पड़ेगी। नहीं नहीं आप पीजिए। आप चाय नहीं पियेंगी तो आज मैं भी नहीं पीऊंगा। ठीक है यहाँ रख दीजिए। संस्कृत तो मैं मुंह से पढ़ाता हूँ, हाथों ने क्या कसूर किया है? लीजिए। शकुंतला का पाठ करेंगे ना आप? देखिए एक बार मैंने कह दिया ना, बार बार दोहराने से वो हाँ नहीं हो जाएगा। मैं कोई पाठ वाठ नहीं करूंगी। खास और डालनी पड़ेगी। क्या? 50% अभी बाकी है। मैं समझी नहीं। गंगा चाय बड़ी अच्छी बनाती है। अरे बता तो सही क्या बात है? नहीं तो बुलाती हूँ रणदीप को। नहीं बता ना क्या बात है, हम तेरी मदद करेंगे। कमल बाबू सर ने मुझे अपने ड्रामे में नहीं लिया। लेकिन इसमें रोने की क्या बात है? मैं मर जाऊंगी रजनी, मैं संस्कृत सर के बिना मर जाऊंगी। वही तो बोल, अगर संस्कृत सर को पता चल गया तो वो मर जाएंगे। तू मजाक समझ रही है, मेरा उनका जन्मांतर का संबंध है, उन्हें नहीं मालूम मैं ही उनकी शकुंतला हूँ, सिर्फ मैं। चुप रह, ऐसे नहीं होते। ड्रामे में नहीं लिया तो क्या हुआ, तू मेरे साथ रहना, हम दोनों पर्दे की रस्सियां खींचेंगे। अधरों से अधरों पर हम ऐसी कविता दे सुध अपनी, इन सांसों में भूल जाए जिसकी मादकता। बाहों में मुझको बांधना, पिया मन की मधुर एक भावना।
बहुत ही अच्छा ड्रामा था। बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो तो सीधी चली गई। अगले जन्म में मिलेंगे। क्या कर रही थी चारू? मैं नहीं बताऊंगी। रेनू जी, रेनू जी, रेनू जी। नमस्ते। कहाँ जा रही हैं आप? घर। जरा ठहरिए। कहाँ जा रहे हैं आप? खास डाल दे। नमस्कार। काशीपुर जा रही हैं ना? आपकी गाड़ी तो आने वाली है। जी। मैं भी जा रहा हूँ घर। अच्छा। 15-20 दिन के बाद मैं भी काशीपुर आ रहा हूँ। एक बार आपसे जिक्र किया था ना, मेरी बहन वहां रहती है, आपसे मिलने जरूर आऊंगा। मुझसे मिलने? क्यों? देखिए, आप काशीपुर में होंगी, मैं वहां हूँ, आपसे ना मिलूं उचित नहीं लगता। और फिर आप हमारी साथी हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ाते हैं हम लोग। लेकिन मैं उस वक्त काशीपुर में नहीं रहूंगी। कहाँ जा रही हैं? मुझे दूसरी जगह जाना है। कहाँ? इलाहाबाद। वापिस तो आप काशीपुर में आएंगी, मैं 15-20 दिन तक वहां रहूंगा। लीजिए, आपकी गाड़ी तो आ गई। मैं मिलूंगा आपसे काशीपुर में। देखिए, मैं शायद ज्यादा दिन नहीं रहूंगी वहाँ। आप तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? इसमें किस बात की तकलीफ है? आपका पता है ना, 15/3 रायगंज पोस्ट ऑफिस के सामने। आपको कैसे मालूम? कॉलेज के दफ्तर में सबका पता होता है। ये मेरी तरफ से उपहार। लेकिन धन्यवाद की जरूरत नहीं, छुट्टी में बहुत समय मिलेगा, पढ़िएगा जरूर। ये अगर 6:40 की गाड़ी से तो अपने घर नहीं जा रहा है?
जी नहीं, आज तो मैं रेनू को विदा करने के लिए आया था। ये देखो प्लेटफॉर्म। अरे अजीब आदमी है। हम सिर्फ कालिदास पढ़ाते ही नहीं, आजमाते भी हैं। तुम शादी कर ही लो। क्यों भाई, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ ही तो हो रही है, तुम करोगी उसके बाद ही तो मेरा नंबर आएगा ना। तुम्हें किसने रोका शादी करने से? नहीं दीदी, जब तक तुम शादी नहीं करोगी मेरा शादी करना क्या अच्छा लगेगा? क्यों, कोई लड़की ढूंढ रखी है? कब से, एक साल हो गया रोमांस करते करते। ये देखो उषा नाम है इसका, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। कहाँ रहती है? कॉलेज में पढ़ती थी मेरे साथ, आजकल स्कूल में टीचर है। क्या पढ़ाती है? संस्कृत। कोई और सब्जेक्ट नहीं मिला पढ़ाने को? क्यों, संस्कृत में क्या बुराई है? एक दिन मिलवाऊंगा उससे दीदी। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ। अच्छा आओ आओ दीदी, आ गणेश बैठ जा। दीदी ये है गणेश, मेरे कॉलेज का दोस्त, जिसने अपना स्टूडियो खोला है जहाँ तुम्हें तस्वीर खिंचवानी है, और ये है उषा, गणेश की बहन, बहुत अच्छा गाना गाती है। और दीदी हमारी रूपनारायण कॉलेज में केमिस्ट्री की लेक्चरार हैं। आपके बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन आप सचमुच बहुत अच्छी लगती है, जैसे कालिदास की शकुंतला आप ही थी, है ना भैया? हाँ बिल्कुल। दीदी चाय नहीं पिलाओगी अपने होने वाले रिश्तेदारों को? हाँ हाँ जरूर, अभी लाती हूँ। चलिए मैं भी आपकी मदद करती हूँ। हाँ गणेश बैठ जा। देख लिया ना दीदी को, एक फर्स्ट क्लास तस्वीर चाहिए, समझ गया ना, ताकि इस बार डेफिनेटली इनकी शादी हो जाए। अरे रेनू दीदी ये तो संस्कृत की किताबें हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभव, आप पढ़ती हैं इन्हें? नहीं किसी ने दी है पढ़ने के लिए। फिर तो जरूर पढ़िए, इतनी अच्छी हैं ये। तुमने पढ़ी है? मैंने, कुमार संभव तो रटा हुआ है। कहते वे निशैते कुतूहलात पार्वती प्रतिमुखम निपातितम। मैं ले जाऊं इन्हें पढ़ने? अब तो मैं पढ़ रही हूँ, बाद में ले जाना। चलो आप बैठे। कौन है रेनू? पोस्टमैन है माँ। प्रिया वरेशु, मैं 15 तारीख की सुबह पहुंच रहा हूं। मैं रामपुरा में रहूंगा, 15 की शाम आपसे मिलने आऊंगा। अगर आप काशीपुर में है तो जरूर घर रहिएगा। अति दर्शनाभिलाषी स्वर्ण कमल। किसकी चिट्ठी है बेटी? ओ कॉलेज के किसी टीचर की है माँ। नमस्ते दीदी। अरे कमल तू? शेखर को पहचानती हो ना? नमस्कार। कितना बड़ा हो गया है? दीदी वो नीचे से सामान मंगवा दो। सुंदर, सुंदर जा नीचे से सामान लेके आ। एक चिट्ठी तो डाल दी होती, एक दिन देर से आते तो मैं मिलती भी नहीं। क्यों जा रही हो कहीं? हाँ गर्मी की छुट्टियों में शिमला जा रही हूँ। मेरा भी सिर्फ 4 दिन का काम है, काम होते मैं भी चला जाऊंगा। चल चलो अंदर आओ। आ ओफो बाप रे कितनी गर्मी है यहाँ पे यार। गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर जाते, शिमला जाते, दार्जिलिंग जाते, ये कहाँ मरने आ गए काशीपुर में? क्या रखा है काशीपुर में? अबे यहाँ पे गंगा है, इसके शीतल जल में स्नान करने से सारी गर्मी दूर हो जाती है। और फिर 15/3 रायगंज पोस्ट ऑफिस के सामने। अरे यार क्या है 15/3 पोस्ट ऑफिस के सामने क्या है? बहुत गर्मी है वहाँ। अरे यार गर्मी है तो यहाँ मरने के लिए क्यों आ गए? हाय आज वहाँ नहीं जाएंगे। अरे यार कल जाओ परसों जाओ मत जाओ, मैं तो यहाँ से नहीं हिलने वाला हूँ, यही पंखे के नीचे पड़ा रहूंगा, बड़ी गर्मी है मैं नहीं हिलूंगा। दीदी इसके लिए एक ठंडी लस्सी भिजवा दो। क्या बात है रेनू, कोई आने वाला है क्या? नहीं तो। जरा बाहर हूँ। कहाँ जा रही है बेटी? यही वो रामपुरा तक। रामपुरा तक कहाँ, कौन है? वो ऐसे कुछ सामान खरीदना है। तो फिर सदर हो आना, अपनी तस्वीरें भी लेते हैं ना। अच्छा हाँ
नमस्कार। नमस्कार। आप फूल रेणु देवी की माँ है ना? जी, कहिए। घर पे नहीं है? जी नहीं, लेकिन कहाँ गई हैं? यही रामपुरा तक गई है। आप? मेरा नाम सुवन कमल है, उन्हीं के कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए ना। जी नहीं, कोई बात नहीं, कल आ जाऊंगा। उनसे कहिए सुवन कमल आए थे। अच्छा, ये क्या कहा आपने, कहाँ गई हैं? रामपुरा तक। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। जी नमस्कार। अरे रेनु, मैं तो तुझे कहना ही भूल गई थी। जब तू बाहर गई थी ना, तो एक आदमी आया था। क्या नाम बताया था उसने? स्वर्ण कमल बाबू। हाँ हाँ, वही। बिठाए नहीं उन्हें? मैंने तो बहुत कहा बैठने को, उसने कहा वो फिर आएगा। कब ना? कल शाम की कह रहा था। अच्छा बेटी, कौन है वो? हमारे कॉलेज के संस्कृत के लेक्चरर हैं। अच्छा। क्या है, लेकिन तेरी जीवन में अभी तक प्यार नहीं है। दीदी आओ। हाँ नमस्ते। नमस्ते। चलो दीदी, आज नीली झील घूमने चलते हैं। आप नीली झील गई हैं कभी? हाँ कई बार। बहुत अच्छी जगह है ना? हाँ है तो बहुत अच्छी। तो फिर चलिए ना हमारे साथ। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। उस दिन भी तुम हमारे साथ सिनेमा देखने नहीं गई थी, आज तो दीदी तुमको चलना ही पड़ेगा। मैं तो कई बार देख चुकी हूँ नीली झील। लेकिन तुम उषा के साथ नहीं गई ना दीदी? उषा, तुम वही गाना गाना झील के पास। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चलिए ना प्लीज। चलिए ना दीदी, वहाँ खुले में आपको अच्छा लगेगा। देखो दीदी, हम तीनों तुम्हारी कितनी खुशामद कर रहे हैं। चलो ना दीदी। चलिए ना। तो बहुत मजा आएगा दीदी। एक मिनट, माँ से मिलकर आती हूँ। ए भाई, कैमरे में फिल्म है कि नहीं? क्या है रेनू? कुछ नहीं माँ। अरे रोमेश, अरे रोमेश, कैसा है यार, क्या वो नाचो? हेलो, कैसे हो भाई? उषा और गणेश को तो जानते ही हो, मेरी बहन रेनू कॉलेज में लेक्चरर है। कॉफी पता है नहीं है तुम्हारे कोई दीदी है? मिला ना। आओ जी चलो। कौन सा कॉलेज में पढ़ाते हैं आप? रूप नारायण कॉलेज। रूप नारायण कॉलेज वो यहाँ का कॉलेज नहीं भाई है। आओ जी। आमी, मैं मधुबन कॉलेज में पढ़ाता हूँ और रिचमंड कॉलेज में से। अच्छा भाई चलते हैं, फिर बात करेंगे। आओ जी चल चल जल्दी में भाई। रोमेश, ऐसे मिलते रहना कभी अपना दीदी का साथ। बच के निकला हूँ दीदी, बड़ा बोर है। आओ आओ आओ। क्या देख रहे हो? रमेश की है। बाबा आ गई तुम? लेकिन आ तो देरी करो, खूब इंतजार कराया। कौन है वो लड़की? लड़की कौन लड़की? जिसे भूखे कुत्ते की तरह घूर रहे हो। ओ माँ, की बोल से ना अपनी। नौ 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 ने आ तो शौक भालो ने, इतना शौक नहीं करना चाहिए। चलो चलो चलो। अब हमारी शादी हो जानी चाहिए। अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उस चुड़ैल लतिका के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, मर रहे थे उससे शादी करने के लिए। थोड़ा गोरा रंग है ना, इसलिए। वो तो मैं बीच में आ गई। बस मुझसे शादी करने की तुम्हें कोई जल्दी नहीं है। अरे अरे शोभा, तुम्हें भीषण दुष्ट। अरे खूब खूब शैतान हो तुम। वो तो अच्छा हुआ जो तुम बीच में आ गए, नहीं तो वो लौटिका तो मेरे को फंसा लिया था। हाँ चलो 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 चलो, ऐसा नहीं करते। क्या है ना? मैं थक गई।
तुम लोग घूम के आओ, मैं यहीं बैठती हूँ। ओफो दीदी, लगता है केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते तुम एकदम कोल्ड सब्सटेंस बन गई। रस तो रहा नहीं कहीं, न सिनेमा न घूमना, क्या दीदी? क्या है? मालूम है दीदी उषा क्या कह रही है? क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा। कहती है लगता है दीदी को प्यार हो गया, ये सब उसी की निशानी है। मैंने ऐसा नहीं कहा रेनू दी। मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ, तुम सब घूम के आओ। अच्छा ठीक है दीदी, तुम बैठ जाओ। ए गणेश हाँ हमारे साथ फोटो हो जाए, फोटो हो जाए। अरे फर्स्ट क्लास, कम ऑन। मालूम है दीदी उषा क्या कह रही है? कहती है लगता है दीदी को प्यार हो गया, ये सब उसी की निशानी है। अकेली बैठी हैं? अरे आप यहाँ? चिट्ठी भेजी थी ना कि 15 तारीख को आऊंगा, लेकिन आज तो 17 है। 15 को इंतजार किया था? मैं क्यों करने लगी इंतजार? बैठी ना, बैठी। यहाँ आते ही पता चला गर्मी की छुट्टियां काटने मेरी बहन शिमला चली गई है। जब आपकी बहन यहाँ नहीं है तो आप यहाँ क्यों आए? किसी से मिलने। लेकिन आप यहाँ कैसे चले आए? अच्छा आप तो इलाहाबाद जाने वाली थी, गई क्यों नहीं? जल्दी ही जाऊंगी। बुरा मत मानिए, आज सचमुच बहुत अच्छी लग रही है। ये सीढ़ियां, झील का किनारा, ये शाम, इन सब में चुपचाप बैठी हुई अकेली बहुत अच्छी लग रही है। आप वो संस्कृत में कुछ कहा नहीं, कालिदास या? कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आप कब तक जा रहे हैं? बस जैसे ही आप इलाहाबाद जाएंगी मैं चला जाऊंगा। मैंने वो किताबें दी थी, पढ़ी आपने? आप सचमुच इलाहाबाद जा रही हैं? जा भी सकती हूँ। कॉलेज कब लौटेंगी? कह नहीं सकते। क्यों, नौकरी छोड़ने का इरादा है क्या? छोड़ भी सकती हूँ। तो फिर केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? आपको केमिस्ट्री से क्या मतलब? क्यों नहीं, केमिस्ट्री, संस्कृत, रसायन और रस, कम से कम शब्दों का संबंध तो है। आओ बैठो, मैं इनसे परिचय करा देती हूँ। ये हमारे कॉलेज के संस्कृत के प्रोफेसर हैं, स्वर्ण कमल बाबू। ये मेरा छोटा भाई रमेश। हेलो। उषा। नमस्ते। गणेश। हेलो। नमस्कार। उषा की रमेश से जल्दी शादी होने वाली है। अच्छा। उषा भी संस्कृत पढ़ाती है? ये जानकर तो बहुत खुशी हुई। मैंने आपकी संस्कृत की किताबें रेनू दी से मांगी थी, लेकिन दी नहीं रेनू दी ने। ये जानकर तो बहुत ही खुशी हुई। उषा गाना अच्छा गाती है। हाँ हाँ उषा गाना गाओ ना। नहीं नहीं वो गाना तस्वीरें खींच। Yeah!
ये लल्ला की शादी जल्दी से करा दो। कौन संभालेगा ये अलमारी सब? लल्ला की शादी तो तय कर ही रखी है रेनू, तू अपनी बात कर। मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं। क्यों, शादी नहीं करेगी क्या? माँ, मुझे इस मामले से दूर ही रखो। मैं ये इश्तहार दे रहा हूँ, जरा सुनो। एक उपयुक्त पात्र चाहिए। लड़की एमएससी पास है, कॉलेज में लेक्चरार है, उम्र 22 साल। 22 साल क्यों, मेरी उम्र तो 25 हो चुकी है। अरे दीदी, 22 लिखेंगे तो लोग समझेंगे 25-26 की, अगर 25 लिख दिया तो लोग समझेंगे 30-40 की, और मिल जाएगा कोई बुड्ढा। ये सब तुम नहीं समझोगी। फिर से पढ़ता हूँ। एक उपयुक्त पात्र चाहिए, वेल एस्टैब्लिश्ड भी लिख देता हूँ। एक उपयुक्त कमाऊ पात्र चाहिए। लड़की एमएससी, कॉलेज में लेक्चरार, उम्र 22 साल, लंबा कद, देखने में सुंदर, शादी जल्दी करनी है। जल्दी क्यों लिख दिया? क्यों दीदी, शादी सिर्फ तुम्हें करनी है, मुझे नहीं। अच्छा और लिख दो, लड़का खुद चिट्ठी लिखे और साथ में फोटो भी भेज दे। अभी लिख देता हूँ। जिस अखबार में इश्तहार निकलेगा उसकी कटिंग भी मुझे भेज देना। बिल्कुल, जो हुक्म। लड़का मैं खुद पसंद करूंगी। डन, लो। ये क्या? हाथ मिलाओ दीदी, मुझे उषा को खुशखबरी देनी है। हाथ मिलाओ। आज हम कल की पढ़ाई जारी रखेंगे। हे, जीजा जी को देख रही है। मृदुला, अपनी कार में आजकल उदास लग रही है। इसका जवाब लिखो, तब तक मैं दूसरा सवाल तैयार करती हूँ। देखना, कल की तरह आज भी उठकर पास वाली क्लास में जाएगी। लगता है जीजा जी ने कार्बन की सारी गैस निकाल दी है। आज भी नहीं आए तुम्हारे साथ? नहीं दीदी, कोई काम था क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है, तुम लोग आज चुपचाप बैठी पढ़ रही हो, पहले की तरह शोर नहीं मचाते? वो दीदी, जब जीजा जी आते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। जीजा जी? जीजा जी कौन? हम अपने संस्कृत सर को जीजा जी कहते हैं दीदी, कितने हंसमुख हैं वो। गीता नहीं आई? नहीं, कमल बाबू भी नहीं आए। प्रिंसिपल मुझसे कह रही थी कि संस्कृत मैं पढ़ाऊं। मैं भला हिंदी की टीचर क्या संस्कृत पढ़ाऊं? और अगर पढ़ा भी दूं तो मुझे कौन से एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे? पैसे के मामले में तो ये कॉलेज कुछ ना कुछ। मैंने तो मना कर दिया। मैंने तो कहा कमल बाबू। बैठो ना। तुम नहीं थी तो मैं भी चला गया था तुम्हारे कमल बाबू के साथ। यही एक सड़ी सी जगह है काशीपुर। नमस्कार। नमस्ते। शेखर को तो जानती ही? हाँ, इनको तो यहीं पे मिली थी। कब आई गीता? आज ही। इस बार सब टीचर्स बहुत देर से आ रहे हैं ना? नहीं तो, सबको तो आ गए, सिर्फ मैं ही देर से आई हूँ। कमल बाबू तो नहीं आए? कमल बाबू और हम इकट्ठे ही गए थे काशीपुर, फिर वहां से अपने घर चले गए माधोपुर। आप जानते हैं उन्हें? लो, वो और हम साथ ही पढ़े हैं बचपन से इसी शहर में। अच्छा, मैं और शेखर शादी कर रहे हैं इसी महीने। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना मेरे कमरे में। जी नहीं, मुझे कुछ काम था गीता से, मैं अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा। अच्छा, गीता तुम बाद में आओ। आऊंगी। काफी बदल सी गई हिरेनी, पहले तुम उससे बात भी नहीं करती थी। आओ गीता, मैंने सोचा तुम नहीं आओगी। शायद नहीं आती, लेकिन तुमने पहली दफा बुलाया इसलिए आ गई।
आओ बैठो, चाय पियोगे? लो, फॉर्मेलिटी पर रोते रहे। मुझे माफ करना गीता। अरे क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मैंने तुम्हें शुरू से गलत समझा था। तुम और कमल बाबू दोनों लगते थे हमारे कॉलेज के लिए अपशकुन हो। चलो अच्छा हुआ, अब तो नहीं समझती वैसा। नहीं, कल मैं शेखर से यही कह रही थी, रेनू कितनी बदल गई। कल अचानक एक और बात दिमाग में आई, आज तुमसे कह डालने में मुझे कोई झिझक नहीं है। तुम भी नहीं आई, कमल बाबू भी नहीं आए। पता नहीं मुझे क्यों लगा तुम दोनों नहीं आओगे, शायद उस दिन के दुष्यंत शकुंतला ड्रामे की वजह से ही। मुझे लगा तुम और कमल बाबू दोनों प्यार करने लगे हो। और मुझे क्या लगा मालूम? क्या? बता दूं? बताओ ना। नहीं बाबा, जाने दो, थोड़ी सी बदली हो, फिर से रिलैप्स ना हो जाए। मैं तो जैसे थे वैसे ही हूँ, फिर भी बताओ ना क्या बात है। मुझे लग रहा है तुम कमल बाबू से प्यार करने लगे हो। पता नहीं, कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। और अब? गीता, तुम रोज शाम को आ जाया करो ना, आज तुम्हारे साथ बातें करके मन कितना हल्का लग रहा है। रोज तो नहीं आ सकूंगी, लेकिन आ जाऊंगी कभी कभी। अब मैं चलूं?
गीता, दरवाजा खुला है। बारिश एकदम से आ गई। आप तो बिल्कुल भीग गए हैं। कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। नहीं, मुझे भीगे कपड़े पहनने की आदत है। नहीं नहीं, बदल लीजिए। ये अलमारी है, मैं तब तक आपके लिए चाय लाती हूँ। कॉलेज ज्वाइन करने में इतनी देर कैसे हो गई? बस यूं ही फंस गया था। मैंने सोचा शायद अब आप हमारे कॉलेज में नहीं आएंगे। वाह, नौकरी छोड़कर जाने के लिए तो आप कह रही थी। मालूम है गीता की शादी होने वाली है? हाँ, वो मेरा दोस्त ही है, शेखर। 2 साल से प्यार चल रहा है उनका। लगता है आप कुछ पूछना चाहती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पूछ लीजिए ना, आखिर कब तक झिझकती रहेंगी? आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? ये क्यों पूछ रही हैं आप? पूछ रही हैं तो बताइए ना। बस हुई ही नहीं। लेकिन क्यों? समझिए, किसी से प्यार ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप तो खैर, क्यों नहीं हुआ? क्या क्यों नहीं हुआ? मैं जो पूछ रही हूँ आप अच्छी तरह जानते हैं, बताइए ना। शायद मुझे प्यार करना ही नहीं आता। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। देखिए, एक बार होली के दिन दिल में बड़ी उमंग लिए किसी से मिलने गया, लेकिन उसने घास नहीं डाली। और फिर एक बार किसी से शकुंतला बनने का अनुरोध किया, उसने भी इनकार कर दिया। और फिर एक बार किसी को स्टेशन तक विदा करने के लिए गया, उसने पलट कर भी नहीं देखा। और फिर एक बार अपनी बहन से मिलने के बहाने किसी के शहर तक गया गर्मियों में। लेकिन लगता है अभी तक इन सब की निगाहों में मैं रावण हूं, दुष्यंत नहीं। क्या हुआ, उठकर चली क्यों गई? मैं क्या बताऊं, दुष्यंत तो समझदार है, उन्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि असल में शकुंतला को ही प्यार करना नहीं आता। ऐसी बात नहीं, कालिदास ने कहा है, यौवन में पैर रखते ही नारी के मन में प्यार की एक तीव्र प्रतीक्षा पैदा हो जाती है। पता नहीं मेरे जीवन में वो समय आया कि नहीं। आज तक तो अपनी माँ और भाई की जरूरतों को ही अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर रखा था। उनके लिए अपना कर्तव्य निभाते निभाते आज ऐसी स्थिति में हूं कि माँ और भाई के सिवा और कुछ सोच नहीं सकती। ऐसी बात नहीं, कभी कभी प्यार की ये प्रतीक्षा देर से भी शुरू होती है। ये भी क्या कालिदास ने कहा है? ये कवि कमलदास ने कहा है। अब तो शकुंतला का अभिनय करोगी ना? अभी क्या अभिनय या नाटक करने की जरूरत है? हो गया शत प्रतिशत। ए मिक्सचर ऑफ 95% ऑक्सीजन एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट्स ब्रीथिंग इन केसेस ऑफ शॉक, गैस पॉइजनिंग एंड एस्फिक्सिएशन। इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट एंड द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। एंड सर, फिर से बताइए ना, पार्वती की शंकर के सामने क्या स्थिति थी? विवाह की रात का वर्णन। इट फाइंड्स एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिनरल वाटर्स, स्पेशल स्टील, यूरिया। दीदी, उस कमरे से काफी आवाज आ रही है। और फिर नींद का बहाना करके शंकर जी ने आंखें बंद कर ली। शंकर जी की आंखें बंद होते ही पार्वती अपने प्रियतम को चोरी से देखने लगी। पानी पीड़न विधेर अनंतर। क्या बात है? तुम आज मेरे कमरे में नहीं आना। क्यों? वहाँ सब लड़कियाँ जान जाती हैं कि तुम मेरे कमरे में बैठे हो। मैं ही तुम्हारे घर आऊंगी, एक जरूरी चीज दिखानी है। ठीक है, तुम ही आ जाना। देखिए, आपके यहाँ शोर कुछ ज्यादा मच रहा है। देखो, शोर ज्यादा नहीं करो, पास के केमिस्ट्री क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं शाम को इंतजार करूंगा। अच्छा,
अरे तुम्हारे भाई की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। ये पढ़िए। ये क्या? इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। जरा जोर से पढ़िए। एक उपयुक्त कमाऊ पात्र चाहिए। लड़की एमएससी पास है, कॉलेज में लेक्चरर है, उम्र 22 साल, लंबा कद, फोटो सहित लिखिए। ये किस लिए? गेस, सोचो। अरे चाय ले आओ जल्दी। मालूम है क्या करना है? क्या करना है? इस एडवर्टाइजमेंट का जवाब देना है एक फोटो के साथ। क्यों? क्यों क्या, लड़की खुद पसंद करेगी। तो ये अपनी दोनों की तस्वीर है ना, यही भेज देता। नहीं नहीं, घर वाले क्या सोचेंगे। मेरी अकेले की तो कोई फोटो नहीं है। तो फिर एक फोटो खिंचवाइए ना, और साथ में ये नहीं लिख देना कि आप मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाते हैं। क्यों? सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? माँ समझेंगी शादी के लिए ये चिट्ठी मैंने ही आपसे लिखवाई है। इसमें हर्जी क्या है? नहीं तो फिर फोटो वोटो तो है नहीं मेरे पास कोई। ठीक है, आप लिखिए तो सही। अच्छा माँ, इन सब में से ये ही 5 कैंडिडेट ठीक से हैं। एक इंजीनियर, 2 डॉक्टर, 1 दांत का, 1 वकील और 1 ये कॉलेज का मास्टर। अच्छा। तो कॉलेज का मास्टर तो पहले से ही आउट, बेकार है। अच्छा। ये दांत के डॉक्टर की भी छुट्टी और ये दूसरे डॉक्टर की पहली भी मर चुकी है, तो इसको भी निकाल देते हैं। अब फैसला करना है इंजीनियर और वकील के बीच में। तू जो भी कुछ कर, रेनू को पूछ के कर। तो बीच में क्यों आता है? अच्छा, कमाल की बात यह है माँ कि इन सबको शादी करने की जल्दी है। मैं सोचता था कि मैं ही जल्दबाज हूँ। पहले रेनू को चिट्ठी लिख दे आज ही। अच्छा अच्छा। अगर दीदी की शादी 25 को हुई तो 5 दिन बाद मेरी, यानी 30 को। राइट। 5 कैंडिडेट हैं, 2 डॉक्टर, 1 इंजीनियर, 1 वकील और 1 कॉलेज का टीचर। अच्छा, कॉलेज का टीचर भी है। क्या पढ़ाता है? लिखा तो नहीं लेकिन जरूर कालिदास पढ़ाता होगा। तो किसे पसंद किया? रमेश तो इंजीनियर की सिफारिश कर रहा है। रमेश कौन? मेरा छोटा भाई। तुमने किसे पसंद किया? कॉलेज के टीचर को तो ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, बाकी सबों को तो मिल भी जाए। फिर लिख दिया है मास्टर साहब से ही शादी पक्की कर दी जाए। शादी मुबारक। आपको भी। मुझे किस लिए, शादी तो तुम्हारी हो रही है। बनिए मत, वो मास्टर तो आप ही हैं। मैंने तो कोई अर्जी नहीं दी शादी के लिए। ज्यादा मजाक नहीं करते कमल बाबू। सच रेनू, तुम्हारी शादी के इश्तहार पर मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। क्यों? मैं तो आपको अखबार भी दे गई थी और कहा था आपको लिखने को। देखो रेनू, अगर अर्जियां ही देनी होती तो आज मैं कॉलेज में टीचर नहीं होता, कहीं आईएएस में होता, और पिताजी की इच्छा के अनुसार आज मेरी शादी भी हो चुकी होती। वो चाहते थे कि मैं एक मजिस्ट्रेट की लड़की से शादी कर लूं, बस एक अर्जी देने की जरूरत थी। लेकिन ओफो, बताना तो था मुझे। मैंने तो टेलीग्राम दे दिया है कि कॉलेज की टीचर से शादी पक्की करें। हमारा प्यार सच्चा है तो शादी भी एक दूसरे से होगी। आपसे शादी मंजूर कर ली है। वही तो हमको मालूम था। क्या मालूम था? वही तो हमको मालूम था। अरे इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अरे एक मास्टर का दौरत तो दूसरा मास्टर ही जानता है। ठीक है, कब शादी करनी है? अरे वो संस्कृत की बोले, सुबोस्त शीघ्रम, जितना जल्दी होगा कर दो, 7 दिन में। ठीक है चलो। अरे एकटा कथा सुनो, अभी वो तुम्हारा बोन के लिए वो साड़ी लेना पड़ेगा और वो ब्लाउज लेना पड़ेगा। ठीक है हम मैनेज कर लेगा, कोई चिंता नहीं करो। चल। अच्छा अच्छा, अरे तुम चाय टाय तो खाए ना? तुम 7 दिन कैसा कटेगा, की रकम काट वो, अभी कोथा जाबो कोथा बोशबो। दीदी की भी मत मारी गई, खुद पसंद करूंगी लड़का, ये है उनकी पसंद, गधा। दीदी की शादी के 5 दिन बाद अगर अपनी शादी नहीं होती ना तो मैं देख लेता कैसे होती है शादी। अच्छा हुआ तो जल्दी आ गई, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। माँ रमेश कहाँ गया होगा तेरी शादी के झमेले में? उस मास्टर से तेरी शादी 25 तारीख की तय कर दी है मैंने। नहीं माँ। क्या नहीं? मैं शादी नहीं करूंगी। अरे
क्यों नहीं करेगी शादी? हमने तो हर जगह शादी की चिट्ठी भी डाल दी है। इतनी खिलाफ थी शादी की? हाँ, शुरू शुरू में सभी खिलाफ होते हैं। ऐसा निमंत्रण पत्र है? रेनू की शादी पक्की हो गई है, 25 तारीख की है। आप फौरन रेनू के यहाँ चले जाइए, जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। कल शादी है और आज उफ़। अगर मुझे पहले से मालूम होता ना तो मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने देता। मैं तो खुद ही खिलाफ था इसके। और 5 दिन के बाद मेरी शादी है, 30 तारीख को। तू अपनी शादी की फिक्र मत कर, वो उसी दिन होगी, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। लेकिन दीदी अब ये कैसे हो सकता है? अरे भीम, लगता है आगे कुछ एक्सीडेंट हो गया। हाँ, लगता तो है। अपनी गाड़ी कब तक चलेगी भैया? कुछ कहा नहीं जा सकता, पिछली दफा तो सारा दिन गाड़ी रुकी रही थी। ला बीड़ी तो पिला यार, सिगरेट। कहाँ चलेगा? अरे कहाँ चले भाई? ये काशीपुर कितनी दूर होगा? अरे भैया वो तो यहाँ से 40-50 मील है। तेज भगाओ, जल्दी हाँको। बाबू साहब क्यों घबराते हैं? ये रेस का घोड़ा बहुत तेज भागेगा, चलना। हाँ शाबाश। अरे और तेज से भाग। हाँ देखा बाबूजी कैसा भाग रही है। ये चलना, भगाओ ना इसे। और तेज। और भाग। शोभा, बहुत जरूरी काम है, 7 दिन के लिए तो जाना ही पड़ेगा। पिछली बार भी ऐसे ही जरूरी काम आ पड़ा था और छुप गए थे यही कहीं, लतिका से शादी के चक्कर में। लतिका? ओ लता, अरे छोड़ो, तुम्हारा हम पे विश्वास क्यों नहीं होता है? हम कोई लूफर है, कोई भागाबॉन्ड है? शोभा, तुम्ही तो जानो आमी तुम्हाके कतो भालोबासी। आई लव यू, यू आर माय भाड़ इन दी हैंड। मुझे जाने दो, 7 दिन में जरूर वापस आएगा। हमारी शादी कब होगी बताओ? अच्छा बाबा, इस दफा हम जब वापस फिरेगा ना तो शादी का तारीख नय करके आएगा। Promise. कि खुश हो गया छे, कि आनंद। ओ कितने अच्छे हो तुम। भैया जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। बाबूजी मेरी तो नानी मर गई और आपको आपकी पड़ी है। बोलता था फर्राटे भरता ले जाऊंगा, रेस का घोड़ा है, एक मिलाने के बाद यह हालत है। तब क्या करें? कब ठीक हो किसको मालूम। और तेज चला, और तेज चला। अच्छा ही हुआ ये घोड़ा जिंदा रहा। अरे क्या मुझे मौत में डाल दे, क्या करूं? अरे 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 चेतक को लेके भाग रहा, अभी मालूम हो जाएगा। आजा, शाबाश। आया ना वापस? क्यों रे, मेरा घोड़ा लेके भाग रहा था, वो भी उसके पीठ पे बैठकर। देखो भैया, मेरा काशीपुर पहुंचना बहुत जरूरी है, ये लो संभालो अपना घोड़ा। अरे ऐसे कैसे जाएगा, वैसे ही लेके भाग रहा था, घोड़ा पीठ पे बैठा, देख नहीं रहा उसकी कमर टेढ़ी हो गई। भैया माफ करना, तुझे मालूम है मैं कितना जल्दी में हूँ, मुझे काशीपुर पहुंचना है। अरे ऐसे कैसे जाएगा, उसकी इलाज के लिए पैसे कौन देगा? अगर घोड़ा मर जाता तो? इतने गर्म क्यों हो रहे हो? गर्म नहीं होगा। ये लो 20 रुपए। 20 रुपए?
अरे मेरा चेतक 5000 का है, इसमें भागता है। तो फिर मैं क्या? बस बड़ी छोड़ो। ये लो। कितना है? मालूम नहीं कितना है। लो 400 रुपए, सब कम ठीक है ना? आप बेफिक्र रहिए, मजे में शादी हो जाएगी आपकी। ये लो। रमेश, इतनी देर क्यों हो रहा है? अरे यार सब कुछ हो तो रहा है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कैसे हो गए? शोभा को शायद पता चल गया, वो अंदर ही है। अच्छा देखो, तुम बाहर ही खड़े रहो और शोभा को भीतर में आने मत दो। जाओ जाओ। अरे इतना देरी क्यों हो रहा है? चल बाजी काशीपुर, काशीपुर भाई साहब, काशीपुर, 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 हाँ काशीपुर। काशीपुर कब जाओगे? 4-5 सवारी और आएगी, चल पड़ेगी काशीपुर। 4-5 सवारी का पैसा मैं देता हूँ, जल्दी चलो। हाँ 5 रुपए 60 पैसे के हिसाब से हुए 28 रुपए, कटो। पैसे तो नहीं भैया? नहीं, चल भाई काशीपुर, 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 जल्दी चलो काशीपुर। एक काम करो, ये जैकेट रख लो। अरे तो 5-6 रुपए की भी नहीं होगी, जैकेट ले लो। चल भाई काशीपुर, काशीपुर, जल्दी छूटने वाली है, चल काशीपुर। ये घड़ी रख लो, लेकिन जल्दी चलो। घड़ी, घड़ी 25-26 रुपए की हो जाएगी, पर 4-5 की ये भी हो जाएगी। चलो बैठो, जल्दी करो, जल्दी करो। सूट किस का ले? ये तो ऊपर रख रहा हूँ, चल भाई काशीपुर, काशीपुर। देखो कोई भी हो, शादी के मंडप में आने मत देना। लेकिन अच्छा अच्छा, ले लो 100 रुपए और शोभा और कोई भी शादी में गड़बड़ी ना करे। जाओ देखो देखो। और आहिस्ता भैया आहिस्ता। अरे भैया कितनी दूर है काशीपुर? अरे अभी पहुंच जाएंगे, घबराओ नहीं। अरे पंडित जी आप सो गए क्या? इदम नमः ओम स्वाहा। नहीं भाई, कहाँ जा रहे हो? ऊपर जा रहा हूँ भाई। तुम्हें किससे मिलना है? भूल रहे उसे। अरे ऊपर नहीं जा सकते। क्यों भाई? तुम्हें शोभा ने भेजा है ना? कौन शोभा? आए बड़े आए, कौन शोभा? उसी ने तो भेजा है और बोलते हो कौन शोभा? चलो यार भाई, मेरा ऊपर जाना बहुत जरूरी है। अरे तुम नहीं जा सकते। मैं जाऊंगा, मैं कहता हूँ तुम नहीं जा सकते। तुम नहीं जा सकते। पावस आसु और जमिशम चना आरे बात स्वदुचुनाम स्वा। अग्निर्से पवमान पांचजन्या पुरोहिता तमीमय मा गयम। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। Thank you.
अरे ये क्या हालत बना रखी है? कुछ नहीं दीदी, मैं कल चला जाऊंगा। चलो पहले अंदर चलो। चलो तुम यहां कैसे आ गई? भाग कर। अपने पति को छोड़कर? कौन पति? तुम दोनों अभी तो गाड़ी में बैठे थे ना? मैं वो नहीं थी। कौन थी वो? रमेश ने मुझे फंसा लिया था। पहले लतिका तुम्हें फंसा रही थी। तुम्हें कोई ना कोई फंसाता ही रहता है। दूध पीते बच्चे हो ना। अरे रमेश ना होता तो आज मेरी तुमसे शादी भी ना हो पाती थी। उसी ने आकर मुझे सब तुम्हारी चाल बता दी। साला रमेश। अब रमेश को साला बनाने का ख्वाब छोड़ दो धोखेबाज। यकीन मानो शोभा, आमी तो शादी तुम आगे कूदते चाहिए। बचकर कहां जाओगे? फिर कभी किसी लड़की की ओर आंख उठा के भी देखा ना? आज के तो हमार सुहाग रात, हमी तो तुम्हारे अलावा। झूठ। फिर कभी झूठ बोला तो जबान काट डालूंगी। बड़े आए सुहाग रात मनाने। बड़ी मुश्किल से 3 दिन की छुट्टी लेकर आया था। आज 25 है ना, 5 दिन के बाद तुम्हारे भाई की शादी है। ऐसा करते हैं उसी दिन अपनी शादी भी पक्की कर लेते हैं। और मैं जाके आज शाम की गाड़ी से कॉलेज में ये खुशखबरी भी दे देता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर रही हो। लेकिन जाना क्या इतना जरूरी है? तब तक मेरा ये नया चश्मा भी बन जाएगा ना। ठीक है तुम जाओ, लेकिन 30 तारीख नहीं, शादी की नई तारीख पक्की करके मैं चिट्ठी लिख दूंगी। ठीक है। प्रियवर, आंखें बंद करती हूँ। उसमें सिर्फ एक लाइन तुम्हारी थी कि 12 तारीख की शादी पक्की है, जल्दी आ जाओ। बाकी सब नकल थी। क्या कह रहे हो? हाँ ठीक कह रहा हूँ। हमारी एक किताब में है। कौन सी किताब? है मेरे पास, मैं अभी दिखाता हूँ। यह है संस्कृत काव्यों के विख्यात प्रेम पत्र। ये किताब मैं तुम्हें जानबूझकर दिखाने के लिए लाया था। ये देखो मैंने मार्क करके रखा है। है ना?